देखो बेटा ए पार्ट में ये कह रहे हैं स्टेट विद द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल ईच द फॉलोइंग कि पॉसिबल है कि नहीं तो देखो ये क्या कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी सपोज़ करो एक बॉल है मैं उस बॉल को ऊपर थ्रो करती हूँ ठीक है तो हमने पहले भी पढ़ा है ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा ज़ीरो हो जाती है ठीक फिर ये कह रहे हैं इसका कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली जब कोई भी चीज़ को तुम तो ऊपर फेंकोगी तो इसकी जो ग्रेविटी लग रही है दैट इज़ एक्सेलरेशन कितना लग रहा है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन कुछ क्वेश्चन में हम कितना ले लेते हैं इसको रफ एस्टिमेट ले लेते हैं टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो जब भी कोई चीज़ तुम ऊपर थ्रो करोगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट एक एक्सेलेशन लगा देता है ठीक है दैट इज एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास एक्सेरेशन भी है और तुम्हारी वेलोसिटी भी ज़ीरो है है कि नहीं तो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सिचुएशन क्या कहोगे इफ़ अ बॉल अ इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड थ्रोन अपवर्ड्स ठीक है तो क्या होगा इट विल ट्रेवल विद एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी राइट आवाज हो बी पार्ट पर देखो बेटा उसके बी पार्ट में है ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड तो देखो सपोज करो एक सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है ठीक है तो क्या होता है बेटा जब सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है सपोज इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी स्पीड है सपोज थ्री मीटर पर सेकेंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी स्पीड थ्री मीटर पर सेकेंड है ना आगे देखते हो तो भी इसकी जो स्पीड है दैट इज थ्री मीटर पर सेकेंड तो स्पीड तो देखो यूनिफॉर्म है इसकी लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या होता है जब बॉल ट्रेवल कर रहा है ना तो उसको एक्सेलरेशन इसका डायरेक्शन ये जाएगा है कि नहीं लेकिन ये अपने आप को इसी पाथ पे आगे लेगा है कि नहीं फिर इसका डायरेक्शन ये जाएगा लेकिन अपने आप को इधर लेगा तो यहां पे क्या है एक्सीलरेशन लगता है ठीक है लेकिन देखो स्पीड सेम है लेकिन अपना एक्सीलरेशन लगा के वो अपना पाथ सर्कुलर कर देता है ठीक तो आप क्या कहेंगे क्या इसका एग्जाम्पल है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ठीक है मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ कोई भी चीज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ठीक अब अगला है तुम्हारे पास एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ठीक मतलब देखो अब तुम ये देखो जब भी सर्कुलर पाथ पे होता है तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है किसी भी पॉइंट पे वो कहाँ से सेंटर से काउंट होता है और वो क्या होता है पपेंडिकुलर होता है इसकी स्पीड ठीक है इसके ठीक अब तुम्हें अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलेशन क्या हो जाएगा अगेन सेंटर से क्या हो जाएगा तुम्हारे तो लिए पपेंडिकुलर हो जाएगा ठीक है इसका भी वही एग्जाम्पल है एंड ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ तो क्या होता है सर्कुलर पाथ में क्या होता है कि उसका जो एक्सिलेशन होता है दैट इज परपेंडिकुलर ओके इन अम सर्कुलर पाथ सेम यही इसका भी आंसर था ठीक अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर टेन पर